संयुक्त संविदा निष्कासित कर्मचारी महासंघ मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल के नीलम पार्क में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनकी प्रमुख एक ही मांग है, उपयुक्त समस्त विभागों के निष्कासित कर्मचारी बहाली किए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम आंदोलन करेंगे। हमने शासन के उपरोक्त विभागों में 0 से 3 से लेकर 8 वर्ष तक सेवाएं दी, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने बजट का हवाला देकर सभी की सेवाएं समाप्त कर दी। हमारी सेवाएं समाप्त होने की वजह से हमारे घरों में भरण पोषण का संकट मंडरा रहा है। सर, मैं लखन सिंह वर्मा, निष्कासित संविदा कर्मचारी महासंघ से प्रदेश अध्यक्ष। सर, मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं ये बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश शासन ने 1 से लेकर 5 साल तक के बीच में जिन लोगों को निकाला था, उन लोगों की टोटल संख्या 15 से 20 हज़ार है, और हमें बिना कारण बताए शासन ने बाहर कर दिया। क्योंकि भर्ती कर रहे हैं तो भर्ती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हम हैं तो सही इतने सारे लोग, हमें पुनः क्यों नहीं नौकरी पे रखा जाता है? हम विभागों में पूछने जाते हैं तो बोलते हैं बजट नहीं है। अब बजट नहीं है तो इतने इतने लोगों को भर्ती क्यों कर रहे हैं आप? और सबसे मेन चीज, सबकी महापंचायत बुला रहे हो आप लोग, किसको किसी चीज का दुख है कि नहीं? क्यों इन लोगों को हटाए? हमसे भी तो कोई पूछे आके। हम मामा जी से यही कहना चाह रहे हैं कि हमें हमारी भी बुला के महापंचायत करवा लें, और हमारी भी छोटी सी मांग है, बस एक ही मांग है कि हम लोगों को जो नौकरी से बाहर किया है पुनः बहाल कर दे हमको। नाम कमलेश वरखे है। संयुक्त संगठन जो निष्कासित मोर्चा है उससे मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और आज यहाँ सभी संपूर्ण मध्य प्रदेश से सारे विभाग के लोग, निष्कासित जो कर्मचारी है वो सभी एक एकता के साथ में संयुक्त मंच में आज उपस्थित हुए हैं। सभी लोग की इच्छा है आज मध्य प्रदेश वर्तमान बीजेपी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सभी जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने 5 से 10 वर्ष अपनी अपनी सेवाएं दी है और शासन को इसका कहीं ना कहीं फायदा मिला है, तो मैं मामा जी से यही बात रखना चाहूँगा कि जो नई नई भर्तियां कर रहे हैं आप और उनको लिए बजट है, और जिन जो अनुभवी लोग हैं आपके पास में जिन्होंने जनता की सेवा की है शासन प्रशासन के माध्यम से और मध्य प्रदेश शासन को उसका लाभ मिला है, फायदा मिला है।